नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट वाइब। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली करारी हार के बाद कैच छोड़ने पर हसन अली ने तोड़ी चुप्पी। साथ ही पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने अपने दामाद शाहीन अफरीदी को लेकर दिया बड़ा बयान। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली पाकिस्तान को करारी हार का जिम्मेदार पाकिस्तान का कौन सा खिलाड़ी है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप 2021 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली पाकिस्तान की हार का ठीकरा हसन अली के सिर पर फोड़ा गया। 19वें ओवर में मैथ्यू वेट का कैच टपकाना इस तेज गेंदबाज को काफी महंगा पड़ा। हार के बाद हसन अली को जमकर ट्रोल किया गया और उनकी फैमिली को भी निशाना बनाया गया। हालांकि भारत और पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर्स ने हसन अली का समर्थन भी किया है। पाकिस्तानी फैंस ने अपने इस फास्ट बॉलर की कमियां गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उनको हार का सबसे बड़ा कसूरवार ठहराया है। हार के बाद लगातार ट्रोल होने के बाद हसन अली ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज ने अपने ट्वीट पर लिखा, मैं जानता हूं कि आप सभी मेरे से काफी ज्यादा अपसेट हैं क्योंकि मेरा प्रदर्शन आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, लेकिन मैं आप सबसे ज्यादा निराश हूँ। मेरे से अपनी उम्मीदों को मत बताइए, मैं पाकिस्तान की उच्चतम स्तर पर सेवा करना चाहता हूँ, इसी वजह से दोबारा से कड़ी मेहनत करने में जुट रहा हूँ। यह धब्बा मुझे मजबूती प्रदान करेगा। आपके मैसेज, ट्वीट, पोस्ट, कॉल और दुआओं के लिए धन्यवाद, इसकी हमें बहुत जरूरत थी। दरअसल सेमीफाइनल मैच में हसन अली ने मैथ्यू वेट का कैच बेहद अहम मौके पर छोड़ दिया था और इसी के अगली तीन गेंदों पर कंगारू बल्लेबाज ने तीन छक्के जड़कर ऑस्ट्रेलिया को फाइनल का टिकट दिला दिया था। दोस्तों, उसके बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने अपने दामाद शाहीन अफरीदी को लेकर कहा कि हसन अली ने 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर कैच जरूर छोड़ा, लेकिन उसके बाद शाहीन अफरीदी ने भी बेहतरीन गेंदबाजी नहीं की और वह लगातार तीन गेंदों पर तीन छक्के खा गए। इससे मैं हसन अली से ज्यादा कसूरवार शाहीन अफरीदी को मानता हूँ।